ਬਾਏ ਸਟੋਰ ਦੀ ਵਾਈਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। वैसे मुझे ना ब्लिंगी चीजें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मैं या वेली हस्बैंड बूढ़े मैंने ये स्वाद बनाए हैं नान, इसके साथ है दाल मखनी, कढ़ाई छोले एंड कढ़ाई पनीर। सो मेरे चार दिन भी ना देखो दोस्तों। नहा लिया है मैंने और आज जो मैं मेरे फेस के हेयर रिमूव करने वाली हूँ। वैसे मैं सोने से पहले ये काम को करना पसंद करी थी, पर मैंने राती चेता नहीं रहा, याद नहीं रहा, तो अब मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया है ये पाल्मर चॉइस का कोको बटर फेस ऑयल, क्योंकि ड्राई चेहरे पर अगर आप शेविंग यूज़ करते हैं तो अच्छा नहीं, इससे ज़्यादा स्मूथ होता है एंड आपकी स्किन इरीटेट नहीं होती है। इसे अच्छी तरह मसाज कर लेंगे सारे चेहरे पे। और ये फेस ऑयल है, सो आप कोई सा भी फेस रेजर यूज कर सकते हैं। सो मैंने ये वाले रेजर्स फेस वाले लिए हैं वॉलमार्ट से। एक नैपकिन भी रख लेते हैं पास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर आता है तो उससे वाइप करेंगे। सो मैं इस एरिया से शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि इस बार मैं मेरे हेयर को रिमूव कर रही हूँ, मोर देन महीना हो चुका है एंड इट्स रियली बैड राइट। सो ये जो हेयर है इसको मैं सारे को जितना मैं ऊपर पुल कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ, क्योंकि इनको मैं रिमूव नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर जो रिमूव होता है बहुत फेक दिखता है, ऐसे ये नेचुरल लगता है राइट। सो यू डोंट नीड टू डू टू मच क्लियरिंग। इससे आपके फेस के हेयर तो रिमूव होंगे ही और डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, सॉफ्ट स्किन नीचे से निकल के आती है। मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं करती हूँ, पर बहुत सारे लोग हफ्ते में एक बार ज़रूर से अपने फेस को शेव करते हैं। आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके थिक हेयर आएंगे। मैं मेरे हेयर को, फेस हेयर को शेव कर रही हूँ, 7-8 साल हो चुके हैं। हेयर की जो ग्रोथ है नॉर्मल जैसी है जैसे पहले थी। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका चेहरा अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो, ड्राई स्किन पे मत करें, स्किन इरीटेट होती है। अगली चीज़ है कि ब्रश को एक ही तरफ रखें, ऊपर थले मत करें कि बाल ऐसे ऐसे आएंगे फिर। सो हस्बैंड बुला रहे थे क्योंकि वो एग बना रहे हैं अपने लिए, कह रहे हैं तू खाना। मैं नहीं खाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हस्बैंड की कुकिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली एग। मेरे फेस के हेयर रिमूव करने के बाद ना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेकअप करना। मैं चाहती हूँ कि स्किन को रेस्ट मिले क्योंकि उसकी डेड स्किन रिमूव हुई होती है, तो आज करेंगे। बट मैं पहले फेस मास्क लगाऊंगी कोई अच्छा सा। मेरे फेस के पूरे हेयर को रिमूव कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। एंड इसी तरह मैं मेरे फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ, हेयर देयर। वैसे मैं आईब्रोज के लिए एंड अपर लिप्स के लिए या फोरहेड के लिए थ्रेड यूज करती हूँ। सो गाइस, मीट माई ब्यूटिफुल हस्बैंड विद हिज ब्यूटिफुल ब्रेकफास्ट। प्यारी अपना अपना करेंगे हम। मैं तो नू पूछा कि नेरी पूछा तू क्या नहीं। अपना अपना हो गया प्यारी, रसोई वाट कर ली, रसोई लग लग। ढेर हरे के ढेर लगा पो खरे के नू ला दी, अपने टाइम तो ला दिया। प्यारी मेरे लिए तेरना सोना अंदा कदी नहीं बनाया, मेरे लिए ते कंबल वर्गा बना देना ना, जो कंबल दे बाल पे हो। बना देना खान खा के, तेरी आंगू नहीं लोहे दे थान बन जाना। लोहे दे थान मैं ही था। ओके दोस्तों, ये है मेरे खूबसूरत पति जिन्होंने अपने लिए काफी अगली किस्म का एग बनाया है एंड खा रहे हैं। मैंने इनको बहुत बार नोटिस किया है कि जब जब भी किचन में कुछ बनाएंगे एक ही बनाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बस एक अकेले ही है इस घर में। अब मैंने सोचा कि मैं भी एक कोली दाल बनाया करूंगी। थैंक्स, मैंने पूछा तू तब तो बोली नहीं। ओके प्यारी, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तो मैंने ना ये दो फ्लैट्स ऑर्डर की थी कॉलेज स्प्रिंग से, क्योंकि हम लोग अदर डे शॉपिंग मॉल गए थे तो वहाँ पे मुझे ये अच्छी लगी एंड अच्छे प्राइस पे थी, पर उनके पास मेरा साइज नहीं था तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की। एंड अब मैंने ट्राई करके देखा है, ये लूज है मुझ पर। वैसे मैंने मेरा नॉर्मल साइज ही किया है पर लूज है, अब हम चेंज करना पड़ेगा इसको।
दोस्तों, तो ये मैंने जो शूज़ आपको दिखाए खुले हैं ना, इसको चेंज करने के लिए आए हैं हम शॉपिंग मॉल से। मेरे हस्बैंड का फेवरेट शॉपिंग मॉल। ओके, जूतियाँ चेंज करने के लिए आए हैं। जूतियों की दुकान ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे है। शॉपिंग मॉल काफ़ी अच्छा, प्यारा, क्लीन है पर खाली है, क्योंकि वीकडे एंड सिर्फ वेले एंड बुड्ढे दो बंदे ही ऐसे। तो मैं यहाँ वेली, हस्बैंड है बुड्ढे। मैं वेला हूँ या मैं बुड्ढा हूँ? ओके सॉरी प्यारी, आई डिडंट मीन इट। तेरी तो प्यारी दाढ़ी दा कवाल भी काला नहीं हुआ आज। मैं रंग कर दूँ प्यारी? कदों की रात थी उठ उठ के गए थी रंग? सेंटा का घर वे कि सोना बुगिए। ओके, सो मैं स्टोर में आ गई हूँ रिटर्न करने के लिए। इनके पास एक साइज़ छोटा है, आई डोंट नो मुझे आएगा या नहीं, पर वो ट्राई करके देखेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे। एंड यस, स्टोर खाली है अभी। मेरे लगा इतनी छेती लोग की आते नहीं है शॉपिंग करने के लिए, जितनी जल्दी हम आ गए। एंड हस्बैंड काइंड अवॉइडिंग मी बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीजंस। ओके, सो हम कर रहे हैं ग्लव्स की शॉपिंग, क्योंकि हिमाचल हमेशा ग्लव गवा देता है एंड पसंद कर रहे हैं माउंटेन वेयर हाउस से। हस्बैंड साड़ी पर करेंगे क्योंकि चंगा की माड़ा, क्योंकि सीजन जीनी है। हाँ सही लग गया मैंने। ओके, ये है कि ए टाइट हो जाता, सो आर्म टाइट कर दूंगा एंड आ चीज़ अंदर तक चल जूगी। एंड मैनू आ वधिया लगा, जरा हर पास से लगा ना बहुत चंगी तरह लगा। और आ जड़ी प्लास्टिक है ना, लिया है आ प्लास्टिक नकली ही लगी। हां ए फोन, आई डोंट नो व्हाटएवर, आई लाइक दिस। जरा पिछली बार गवाया हो आई हीगा एदा दा ही। ए मैं ला के काट के फिर आगा ताकि तुम पता चल जाए मैं कितने कितने हैं। गाइस लुक एट दिस बेल, अगर आप हाइक करने के लिए जाते हैं ना तो आप छन छन करते रहते हैं, और जो पालू हो उसको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। सो इट्स कॉल्ड बियर बेल विद मैग्नेटिक साइलेंस। थैंक यू। सो हिम्मत के लिए जोड़ा एक जुराबा का ले लेंगे, तीन जुराबा का जोड़ा। इसकी भी चेकिंग होगी, इंजीनियर साहब सारा कुछ चेक कर दिया। गाइस ये ट्रीज़ की क्वालिटी देखिए कितनी सोनी है। सो ये हडसन बे होम है, स्पेशली ये वाला कितना सोना है। अगर मेरा बजट थोड़ा बड़ा है ना, आई विल श्योरली गेट दिस गाइस। प्राइस भी लेना है तो कितने प्लांट्स लेने हैं, पर ये स्टोर की वाइब कितनी अच्छी है ना, ग्रीन अर्थी। फर्नीचर में गुआची गया हमारा बंदा। बहु ये स्टोर दी वाइब मेरे घर वर्गी नहीं है, है ना? ग्रीन ब्राउन सोचना तो ही ऊपर बैठ के सोच रहे हो, बेसमेंट च बैठ के वो सोचना। हस्बैंड कह रहे हैं मुझे ये चेयर चाहिए सोचने के लिए। सोचने लिए चेयर नहीं चाहिए, सोच बहु सोचने लिए चेयर नहीं चाहिए, सोचने लिए दिमाग चाहिए। लोगों ने कहना जो मैं अपने पति को इदा कहूँगी उन्हें मेरा सिर फोड़ देना। सो फालतू टाइम पास कर लिया। मेरा मन था कि किसी ना बहुत प्यारे से कैफ़े में जाएंगे हम लोग, जिथे हॉलीडे वाली वाइब्स हो, जैसे इंडिगो में थी अदर डे। ओ ओ शिट, ओ शिट, ओ नो, हाय बेचारी डिगदी बची चली गई तो उतरन दे वापस आन दी। ओके गाइस, एक ना बुढ़ी औरत लाइक काफ़ी ओल्ड इस पे आ गई वो नीचे आने के लिए, उसे लगा कि ऊपर जा रही है वो, पर फिर उन्हें प्लान चेंज कर लिया, दूजी तीजी पौड़ी से वापस जाने लगी, डिग गई बेचारी, पर डिग्री 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 थले आई गई। तू ना डिग्री हम ध्यान ना, मैं भी डिग्री चक्की हूं। पहला तू यो बुढ़ी चक्की गई, असी ना बहुत उठो बड़े दसा सुनो मैं। सो माय एडवेंचरस हस्बैंड वॉशिंग हिज ब्यूटीफुल कार and I'm doing some time pass. This is fun.
घर आ गए हैं एंड मैं हस्बैंड को एक अच्छा सा प्यारा लेट लंच ब्रंच डिनर आई डोंट नो बर्गर बना के देने वाली हूँ। ये हम डॉक्टर प्रेगर्स की वेजी पैटी जो कॉस्को से मिलती है उससे बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं एंड इंडिया जैसा बर्गर मिस करते हैं या हंग्री जैक्स का जो वेजी बर्गर है वो आप ये पैटी ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। प्यारी समझ गई, खुश हो प्यारी है। सो मैं और हिम्मत आ गए हैं विनर्स में और हमें बहुत ही प्यारा सा एक बैग मिला है। आई विश मैं ले पाती हिम्मत बखाई। ये ना बहुत ही प्यारा सा एक बैग है जो कि पार्टी के लिए परफेक्ट है, स्टेटमेंट पीस। लुक एट दिस एंड गेस व्हाट, कि ये हैंडक्राफ्टेड हो क्या है इंडिया से सर। एंड प्राइस भी वैसे बुरा नहीं है, $40 का। सो इसीलिए मुझे विनर्स बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसी डील्स मिल जाती है। लेट मी बी। सो ये वाला बैग मैं लेना चाहती हूँ मेरी पार्टी के लिए और हिम्मत पार्टी पूपर बन रहा है और कह रहा है कि अच्छा नहीं है। गाइस बताओ कितना प्यारा है, राइट? सो ऐसे मैं पार्टी में जाऊँगी। ये बैग है, सबको स्मैश करके निकल जाएगा। वैसे मुझे ना ब्लिंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ना ये थोड़ा डार्क भी है। आई विश कि मेरे पास कोई इवेंट होता तो मैं ज़रूर से ये ले लेती, पर मेरे कोई इवेंट ही नहीं है कोई जान ली। मम्मी तेरी बुगनी मनी ना ले ला मैं $40। सो विनर्स में ऐसे ही हम दोनों घूमने के लिए आ गए टाइम पास करने के लिए। एंड मुझे स्टेशनरी जर्नलिंग का सामान डायरीज़ ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है एंड आज यहाँ पे ये पूरा सेक्शन डायरीज़ एंड जर्नल से भरा हुआ है। मैंने खूब सामान लगा के अपने लिए कुछ पसंद किया है यहाँ से। Guys, I'm getting a new dog man book. It's named Fetch 22. You excited to read it? Mm-hmm. Why? Because I never read this. Only one time I did. Let's go. So me and Himmat, we both are in Sobeys now. Mujhe dahi chahiye. Quick run. सो आई रियली वॉन्ट टू ईट सुशी, पर ये मेरे लिए थोड़ा बड़ा होता है। आई विश मेरे हस्बैंड मेरे साथ शेयर करें। हिम्मत भी कह रहा है कि मुझे शेयर नहीं करना एंड छोटे में बकवास है। ये है एवोकाडो एंड क्यूकम्बर। मुझे क्रैब वाली सुशी अच्छी लगती है एंड इसमें है वो, पर नो बडी शेयरिंग विद मी सो आई हैव टू स्किप। आई एम सैड। तो मैं और हिम्मत पहुँच गए हैं सोबीस में। ओके दोस्तों, मेरा प्लान था कि मैं ना तंदूरी स्टाइल सोयाबीन की चाप बनाऊँगी, पर मुझे दही नहीं मिला है मेरी पसंद का। सो कैंसिल करते हैं वो प्रोग्राम, कल बनाएंगे क्योंकि देसी स्टोर मुझसे दूर है यहाँ से। सो अब मैं यहाँ जाने के लिए मन भी नहीं है। आई एम डन फॉर द डे। देखते क्या खाते हैं। दोस्तों, सो वी गोना कॉल इट अ नाइट। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, विनर से मैंने क्या क्या लिया है। मैंने एक ना बहुत ही प्यारा सा प्लानर लिया है, ये कलर मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है।
बेज कलर 2024 का प्लानर जनवरी से शुरू होता है, आई थिंक दिसंबर तक चलेगा. यस एंड ऑल्सो मैंने मेरे लिए बैले फ्लैट्स ली हैं, बहुत ही प्यारी एंड क्यूट एंड बहुत कंफर्टेबल हैं एंड अच्छे प्राइस पे मिल गई मुझे. और हेमल ने भी अपने लिए एक बुक ली है, दैट्स इट. एंड जो योगर्ट मैं लेना चाहती थी मुझे सोबी से नहीं मिला है, सो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है. एनी वेज मेरा खाने के लिए मन नहीं कर रहा है, मैंने वैसे कुछ खाया नहीं है. हस्बैंड ने वो बर्गर खा लिया था एंड हाफ बर्गर हस्बैंड का मैंने खा लिया था एक्चुअली, सो आई एम डन. सो डिनर का प्लान हो गया है कैंसिल क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि वो ज़्यादा खाना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने बर्गर खा लिया है ऑलरेडी एंड वो सिर्फ सैलड खाएंगे. मैं उनको लेटस एंड क्यूकम्बर का सीजर सैलड बना के दे दूँगी. एंड हिम्मत के लिए मुझे कुछ कुक करना है. आज मैं तो डेली बहुत ही मज़ेदार तंदूरी नान बनाया. मैं क्या कि किसी तरह आपको कमी ना रह जाए खाने पीने में. आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. जहाँ पे कनाडा में रहते हुए घर आलिया नॉर्मल रोटी नहीं बना पाती हैं उत्थे मेरे पति तो इतनी मेहनत करेगा $1.5 का मिल जाता एक ताजा नो प्रिजर्वेटिव हाथ ना टक गुन के नहीं रेस्टोरेंट ताजे ताजे बनाते हो तो फिर रेस्टोरेंट का ही खा लिया करो. एक तो नू मिलन दिया तो नू ग्रेटफुल होना चाहिए था. ओए मैं हूं नोक जो ओए नोक जो करन दी लोड. सो गाइस कनाडा में रहते हुए जहाँ पे पतियों को नॉर्मल रोटी पे नसीब नहीं होती है, फ्रोजन रोटियाँ खाते हैं वो लोग या फिर नान खाते, इनको मैं फ्रेश नान रोटी परांठा मिस्सी रोटी आलू के परांठे मूली के परांठे मूली के परांठे आलू के परांठे लच्छा परांठा लच्छा का परांठा. मैंने ये स्वाद बनाए हैं नान, इसके साथ है दाल मखनी कढ़ाई छोले एंड कढ़ाई पनीर. सो मेरे चार गाइस एक्चुअली पता क्या हुआ, मैंने पिज्जा का डो बनाया था ना तो थोड़ा सा लेफ्ट. पर हम आज के व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं. मैं आपको कल मिलूंगी नए व्लॉग के साथ. अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बार में अपने प्यारे प्यारे विचार ज़रूर से छोड़ा करें क्योंकि उस चीज़ से मुझे पता चलता है कि आप क्या फील कर रहे हैं. आपको कल मिलती हूँ नए व्लॉग में. अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय. हस्बैंड मेडिटेशन कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा रोना नहीं पड़ना चाहती.